नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। असर बेअसर, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में ये मामला क्या है, किस बात की बात है कि असर बेअसर हो रहा है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने 5 साल बाद ही सही जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद अब सुन रहे हैं और सितंबर महीने का यह दूसरा सप्ताह जब उन्होंने फरियाद सुनी है, लोग अपनी पीड़ा लेकर के भी पहुंच रहे हैं, फरियादियों का आना भी लगातार जारी है। ऐसे में सितंबर के दूसरे सप्ताह में लगी जनता दरबार में एक बार फिर से सरकार के वादों पर ही सवाल खड़े कर दिए। जिस तरीके की स्थितियां रही, साफ तौर पर वो सब कुछ दिखता रहा। ये रिपोर्ट देखिए। दबंग है वो, बहुत दबंग है वो। वो पहले बोलते हैं 3-4 हजार करोड़ का मालिक हूँ मैं, बोलते हैं कि लाल बत्ती हमारे यहाँ चाय पीता है। ये देखिए, मैंने सीएम हाउस में कई बार अप्लाई किया पर कुछ नहीं हुआ। आप इंसाफ चाहती हैं? बिहार में सुशासनी सरकार का दावा करने वाले नीतीश सरकार भले ही लाख सुशासन के दावे कर ले, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ना ही लोगों को कानून का फायदा मिल रहा है और ना ही प्रशासन की रौब खत्म हो रही है। तभी तो एक दो नहीं बल्कि अब तीसरी पीढ़ी भी सड़क पर सीएम से न्याय की गुहार लगा रही है। क्या चाहती हैं? मेरे पेटो फेंकते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे पेटो फेंकते हैं। ईंट फेंकते हैं। अच्छा, कौन ईंट फेंकते हैं? कौन फेंकता है? गंदे अंकल लोग। जोर से बोलो, जोर से बोलो। गंदे अंकल लोग। आप इंसाफ चाहती हैं? दरअसल सितंबर के दूसरे सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार सजाया। इस दौरान सीएम ने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग समेत सामान्य प्रशासन विभाग के साथ ही कई अन्य विभागों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान सीएम से एक महिला अपनी मासूम बेटी के साथ न्याय की फरियाद लगाती हुई दिखी। महिला ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दबंगों द्वारा धमकी देने और जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। मामला है 21 अगस्त का। मैं एक साल से परेशान हूँ, एक साल से ऊपर हो गया। मेरा प्रॉपर्टी है नाला रोड में। हमारे घर में रात में रात के 2 बजे करीब गुंडे आते हैं, 7-8 लोग, और गेट काट के ले जाते हैं मशीन से। जो मेरे पास फोटो भी है, सीसीटीवी फुटेज है। ये रहा मेरा गेट, ये रहा कटर से काट रहे हैं, ये रहा वो ले जाते हुए फोटोग्राफ। आई वांट टू शो। जी जी, ठीक ठीक जी, ठीक है। तो इसका एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखा, बोला माफी करवा लेते हैं। मापी हुई, जमीन मेरी आई, गैर मजरुआ नहीं है। उसका क्लेम है गैर मजरुआ है, कॉमन है, बट सीओ रिपोर्ट में कॉमन नहीं है। वो मेरा जमीन है, मेरा निजी जमीन है। एक्चुअली ये मेरी मदर का है केस, मदर है, मदर हमारे साथ केस किया उन्होंने, सीओ तक गई, जमीन तक। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वो मेंटली ट्रॉमा में है 1 साल से। तो अब उनका मतलब वारिस, जो मेरी वारिस, मेरी बेबी है, तीसरी पीढ़ी, फर्स्ट हो गई, सेकंड मैं और ये, आज ये खड़ी है इंसाफ के लिए कि क्या हमें इंसाफ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जनता दरबार में पहुंचने वाले कई फरियादियों ने भी सरकार की पोल खोलकर रख दिया है। ऐसे ही एक फरियादी झंझारपुर के नरुआर गांव से आए थे, जिन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम के दावों की ही पोल खोल दिया। शिकायतकर्ता ने कोसी त्रासदी में सीएम नीतीश के द्वारा साल 2019 में किए गए वादों पर ही सवाल खड़े कर दिए। सर नमस्ते। सर 2019 के भीषण बाढ़ में मधुबनी जिला के प्रखंड झंझारपुर नरवार गांव में हम लोग 52 परिवार विस्थापित हो गए,
हम लोगों का घर जमीन सब कुछ बह गया सर। इसके बाद आप खुद वहां पे सर आए थे और बागनों परिवार को आपने अपने हाथों से हम लोगों को जमीन की कागज दिए थे सर, और ये बताए थे कि तुम लोगों को जमीन मिलेगा और घर मिलेगा, पुनर्वास हो जाओगे सर। उसके बाद भी अभी तक हम लोग तब से लेके आज तक बावन परिवार विस्थापित होकर पन्नी ठान के रह रहे हैं सर। बांध अब तक नहीं मिला है, नहीं मिला सर। कि आपके गांव में सर आप ताजा स्थिति देख सकते हैं, दो बार गए, एक बार और एक बार दोबारा भी आप गए थे तो सर आप उनको बताए थे। ठीक। हालांकि शिकायतों को लेकर सीएम नीतीश कुमार जरूर सक्रिय दिखे। इस दौरान सीएम ने आंगनवाड़ी सेविका से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान नाराज होकर समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन लगा दिया और उनकी फोन पर ही जमकर क्लास लगा दी। सीएम ने फोन कर कहा, अरे भाई चार शिकायत पहुंच गया है, क्यों नहीं मामला देख रहे हैं। हेलो, अरे भाई एक नौजवान है, कह रहे हैं एक महीना पहले भी आए थे और आपके यहाँ मिल रहे हैं, लेकिन उनके बहाली का कुछ नहीं था, सब कुछ कर लिया गया, फिजिकल शिक्षक पता के तक ट्रेनिंग इसकी, इसके कैसे बहाली, कैसे इसके लिए बहाली ने इसके लिए किया, कैसे परीक्षा क्यों ली। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार के पास शिक्षा विभाग की कई शिकायत लगातार पहुंचती रही। ऐसे सितंबर महीने का दूसरे सप्ताह में लगे जनता दरबार में अलग ही तस्वीर दिखी। यहां पहुंचे एक फरियादी ने शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने से नाराज होकर कार्रवाई करने के लिए जिद पर अड़ गया और खड़ा रहा, जिसके बाद जबरदस्ती उसे सीएम के सामने से हटाना पड़ा। अरे आपको भेज रहे हम शिक्षा में, बताइए आप अपने स्तर से श्रीमान कार्रवाई कीजिए। ठीक है आप जी, जी सर, अगर आप अपने स्तर से कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो परीक्षा विभाग और केंद्राधीक्षक का इस आपको और आपके पदाधिकारी को आवेदन पत्र देने पर नहीं कार्रवाई होने से हालांकि जो भी हो, सीएम नीतीश कुमार के 5 साल बाद ही सही जनता दरबार लगाने से लोगों की उम्मीदें जरूर बढ़ी है, लेकिन इसका लाभ कब तक मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। डीटीवी भारत के लिए पटना से उत्कर्ष के साथ निर्भय किशोर की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से असर जो है वो बेअसर हो रहा है। सीधे चलेंगे न्यूज रूम लाइव, जहां हमारे संपादक राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या सच मायने में ये असर बेअसर हो रहा है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अगर पूरे अगर 100% के अनुसार अगर देखा जाए तो जो जनता दरबार है, इस जनता दरबार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, और अगर मार्क्स देने की बात की जाएगी तो आप तय मानिए कि मुश्किल से 100 में 30% काम हो रहा होगा, बाकी 70% जो है मुख्यमंत्री के निर्देश का, आदेश का कहीं कोई अधिकारी कोई पालन करते हुए नजर नहीं आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले भी जनता दरबार में उस खबर को भी हम लोग ने दिखाया था, जब पहली जनता दरबार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगाई थी, उस जनता दरबार में भी वो आदमी आया था, बुजुर्ग आदमी, अब तो काफी 15 साल हो गए, बुजुर्ग हो गए थे, वो आदमी आए थे और उस वक्त भी वही समस्या लेकर आए थे, और इस बार पिछले इससे पहले वाले जो जनता दरबार जो लगा था उसमें भी वो फिर आए और फिर उन्होंने यही कहा कि साहब हम पहले बार भी आए थे और आज भी आना पड़ रहा है। तो अब जरा सोचिए निर्भय कि अगर इस तरह की स्थिति है, खुद बिहार में सबसे बड़े आप कह सकते हैं मुखिया कहें, अधिकारी कहें, राजनेता कहें, पूरा पावर बिहार सरकार का अगर कहीं पे है, केंद्रित है, तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी अधिकारी को डायरेक्ट कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अधिकारी मुख्यमंत्री की बात को नहीं समझ रहा है, नहीं सुन रहा है और कुछ करने की स्थिति में नहीं है या जानबूझकर नहीं कर पा रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है? तो फिर तो सवाल यही है कि इस जनता दरबार का कोई औचित्य नहीं है, आप बेवजह टाइम पर पास कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो जनता दरबार मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, बेहतर ये होता कि जो अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में ये कार्य है, जिसके खिलाफ जो कंप्लेन है, उसके वरीय अधिकारी को आप उसकी जवाबदेही तय करें
और जिलाधिकारी को ये निर्देशित करें या वीडियो ब्लॉक में हो तो वीडियो साहब को दिया जाए कि अगर आपके क्षेत्र में कोई परेशान है, कोई उनका कोई काम रुका हुआ है, या थाना में अगर थाना प्रभारी ये तय करे कि अगर उनके यहाँ कोई FIR नहीं हो रहा है तो इसकी पूरी जवाबदेही उन अधिकारियों की होगी। मुझे लगता है कि जब जवाबदेही अगर मुख्यमंत्री खुद तय कर दें तो शायद खगड़िया से, किशनगंज से, मोतिहारी और छपरा से लोग यहाँ नहीं। जवाबदेही की हम कैसे बात करें, 2019 का मामला भी आपने देखा जिसको हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया। 2019 में मुख्यमंत्री ने ही समस्तीपुर में झंझारपुर की जो खबरें थी उस पर उन्होंने खुद ही वहां के लोगों को रहने के लिए बजाबते जमीन की बात कही थी। आज वो इतने दिनों के बाद जो पीड़ित परिवार रहा उसका एक सदस्य आकर के और सीएम दरबार में ये कहता है कि साहब आपने ही वो आवंटन किया था लेकिन आज तक नहीं मिला। अब डीएम साहब को फोन करके सीएम साहब बात कर रहे हो, आखिर में क्या है? सीएम साहब की बातें अधिकारी नहीं मानते, बढ़ावा किसने दिया है? मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अगर जवाबदेही तय हो जाती और डीएम साहब अगर कार्रवाई नहीं करते, सीएम के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो डीएम साहब से यह सवाल पूछा जाना चाहिए था। डीएम साहब पर यह नोटिस जारी करनी चाहिए कि आप जिस जिला के जिला अधिकारी हैं और आपके जिले में अगर सीएम के कहने पर भी काम नहीं हो रहा है तो फिर आप जिला अधिकारी कैसे रह सकते हैं? आप पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर मुख्यमंत्री महोदय उन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई कर दिए होते तो जो आरोप सीएम नीतीश कुमार पर बार बार अफसरशाही का लगता आया है कि इनके राज्य में अफसरशाही बढ़ी है, आज इन्हीं पर भारी पड़ रहा है क्या? बिल्कुल, अफसरशाही चरम पे है, उसी का तो नतीजा भुगत रहे हैं वो, और आम जनता भी परेशान और हैरान है कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुशासन है और बेहतर कानून व्यवस्था है, यहाँ के अधिकारी जनता की बात सुनते हैं, सरकार उनकी बात सुनती है, तो यही तो सवाल है कि अगर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जनता दरबार में लोग अब छोटी छोटी समस्या है साहब, बहुत छोटी समस्या है, तो सीएम नीतीश कुमार सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं जनता दरबार करके, अब सियासत की एक नई गढ़ इसलिए रच रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि जनता के बीच में जाए, ये बता सके कि सच मायने में सुशासन बाबू वही हैं और उन्होंने लोगों का, जो लोगों की समस्या है उसको सुना है और उसका समाधान भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो जिस तरीके से जनता दरबार को लेकर के लगातार ये बातें होती आई और अब उसी जनता दरबार में जिससे लोगों ने आस बांध ली, जिससे लोगों को लगा कि असर होगा इस जनता दरबार का, लेकिन आज वही असर बेअसर हो रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से तस्वीरें रही, आगे बढ़ते हैं और एक अलग मुद्दे की बात करते हैं, सम्मान है या सियासत की बात करते हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, दो तस्वीरें दरअसल एक पिछले दिनों की है और एक आज की है, अलग नहीं है, दोनों ही दिवंगत नेताओं के जो पुण्यतिथि की बात करें तो उसके एक बरसी थी, रामविलास पासवान की बरसी थी, और दूसरी तस्वीर जो है वो रघुवंश प्रसाद की पहली पुण्यतिथि की तस्वीर है। दोनों ही तस्वीरों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, दोनों ही कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया और इस दौरान उन्होंने सम्मान की बात की है। दोनों ही नेताओं के पुण्यतिथि या फिर जयंती के मौके पर राजकीय सम्मान देने की बात की, और ऐसे में इस मौके पर RJD नेता तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे जहां दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण भी किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और याद किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग किया है कि रघुवंश बाबू को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, और पिछले दिनों उन्होंने जब चिराग पासवान उनको निमंत्रण देने गए थे तब भी उन्होंने कहा था कि रामविलास पासवान और इसके साथ साथ रघुवंश प्रसाद दोनों के पुण्यतिथि या जयंती पर राजकीय सम्मान होना चाहिए। लेकिन अब बात यहां यह उठता है कि सच मायने में यह सम्मान है या सियासत चल रही है। रघुवंश प्रसाद की पहली पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना से जब निकल रहे थे मुजफ्फरपुर के लिए, इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की प्रतिमा पटना में लगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर BJP पर भी हमला बोला था। हम लोगों ने तो पहले भी मांग की थी कि भाई नीतीश कुमार जी से, राज्य सरकार से, कहते थे स्वर्गीय रामविलास पासवान थे स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद, जो मांगे जो नीचे लिखी में आ रहा है वो अब तक जो है पूरा नहीं है। तो पहली शर्त थी कि वो पूरा किया जाए, दूसरी शर्त ये थी कि राजकीय समारोह जो जयंती वगैरह है वो मनाई जाए, तीसरी बात ये थी कि दोनों महापुरुषों का जो है, नेताओं का जो है, मूर्ति की स्थापना जो है बिहार सरकार करवाने का काम।
तो आज जो है मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम है, उनके बेटे आए थे, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। तो हम तो पहले भी बोलते थे इन लोगों को, जो महंगाई जो है, पहले डाइन नजर आती थी, अब महंगाई जो है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद की सोमवार को प्रथम पुण्यतिथि को लेकर के राजद के कई विधायक और प्रवक्ताओं ने भी अपने अपने स्तर से बयान दिया। इस दौरान भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम भारतीय, हमारी जो पार्टी है उन्हें नमन करती है। रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी के काफी कद्दावर नेता थे और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव के काफी करीब रह चुके हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि हम अपनी तरफ से और राजद परिवार की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। चूंकि आदरणीय रघुवंश बाबू राजद के कद्दावर नेता थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव काफी दिल से उनको मानते थे और प्यार से उनको ब्रह्म बाबा का नाम दिए थे। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये तस्वीरें उभर करके आ रही हैं, ऐसे में सम्मान की बात अब सब तरफ से उठने लगी है। पिछले दिनों खुद तेजस्वी यादव के साथ साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने भी मांग रख दी थी, यानी कि सुशील कुमार मोदी ने भी कहा था। सीधे चलते हैं न्यूज रूम लाइव एक बार फिर से, हमारे साथ हमारे संपादक जुड़े हुए हैं राजेश कुमार। राजेश जी, सच मायने में ये सम्मान की बात हो रही है या नए सियासत की एक नई कहानी है? देखिए, जो राजनेता होते हैं और जो राजनीति करने वाले होते हैं वो किसी न किसी भी क्षेत्र में जहां संभावनाएं बनेंगी वहां सियासत को तलाश लिया जाता है। और पिछले दिनों आपने देखा रामविलास पासवान जी की बरसी थी, चिराग पासवान ने एक मेगा शो का आयोजन किया और उसमें वो सफल हुए। बिल्कुल, आज जो है रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि थी और इस पुण्यतिथि में तेजस्वी भी गए और आरजेडी के तमाम कद्दावर नेता पहुंचे और कई बड़े बिहार के सियासत के बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे और लोगों ने रघुवंश बाबू को याद किया, नमन किया। आज की तारीख में ये सत्य है कि रामविलास पासवान और साथ ही साथ स्वर्गीय रघुवंश बाबू दो ऐसे हिंदुस्तान की राजनीति के ऐसे चेहरे थे जिनके नाम पर कोई दाग नहीं, बेदाग चेहरा आप कह सकते हैं। रघुवंश बाबू की बात कर ली जाए तो आज मनरेगा का जो लोग उदाहरण दे रहे हैं, दरअसल मनरेगा के पीछे जो दिमाग था, जो प्लानिंग थी, जो सोच थी, वो रघुवंश बाबू की थी। और आज तेजस्वी यादव हों या चिराग पासवान हों, दोनों जो बड़े नेता हैं, दोनों बड़े नेता के पुण्यतिथि में वर्षी में वो लोग शामिल हो रहे हैं। यहां से एक सियासत तो निकलेगी ही, यहां पर पुण्यतिथि कहें या वर्षी के दौरान आप कह सकते हैं ताकत का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन भी किया गया और इस शक्ति प्रदर्शन को अच्छे तरीके से बुनाने की कोशिश चाहे तेजस्वी यादव रहे हों या चिराग पासवान, दोनों ने की है। निश्चित रूप से सम्मान के जरिए सियासत की भी बात हुई है और इस सम्मान के जरिए, इस विरासत के जरिए एक नई सियासी आलेख लिखी जाएगी। और एक देखे तो ये सब कुछ सियासत की एक नई कहानी रची जा रही है और कहानियों के बीच में जो वोट बैंक है उसको भी कहीं ना कहीं साधने की पूरी कोशिश हो सकती है, क्योंकि मूर्ति और उसके बाद अब राजकीय सम्मान की जो बातें चल रही हैं ये बीजेपी ने भी कर दी है और राजद तो पहले से कर ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो जिस तरीके से ये पूरी स्थितियां रही हैं, ऐसे में अगर हम पुण्यतिथि की बात कर रहे हैं तो पुण्यतिथि पिछले दिनों भी मनाई गई। राजधानी पटना में जो तस्वीरें थी वो तस्वीरें सब कुछ आपके सामने थी, लेकिन पूरे तस्वीरों के बीच में एक संदेश था। वो संदेश था चिराग पासवान के साथ, वो संदेश था एक हनुमान की, वो संदेश था अपने राम से प्यार करने वाले उस हनुमान की, जिसके साथ आज ऐसा लगता है कि वो राम जो है उनका प्यार अपने हनुमान के लिए दिख रहा है। आज हनुमान के साथ राम दिख रहे हैं। दरअसल जो तस्वीरें दिखी पिछले दिनों लगातार, जब रामविलास पासवान के पुण्यतिथि को लेकर के चिराग पासवान ने जो तैयारी कर रखी थी, बड़े बड़े नेताओं का उन्होंने स्वागत करने के लिए बजाबते सबको निमंत्रण भेजा था, तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आने की असमर्थता जताते हुए उनको सम्मान के साथ कहा था कि दिल्ली में वो शामिल होंगे, कार्यक्रम होना है। लेकिन ऐसे में उन तस्वीरों के बाद जेडीयू के कोई भी नेता शामिल नहीं हुए। अब रामविलास पासवान के वर्षीय कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार और साथ ही साथ जेडीयू के नेता शामिल नहीं हुए तो लोजपा चिराग गुट में काफी नाराजगी है। इसको लेकर लोजपा के चिराग गुट में निंदा प्रस्ताव लाया गया,
बैठक में नीतीश कुमार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने निंदा प्रस्ताव लाया। लोजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि नीतीश कुमार ने जो भी कुछ किया है उसे गांव गांव तक पहुंचाएंगे। और ऐसे में कार्यक्रम की यह तस्वीर जो दिखी वो साफ तौर पर कई सवालों को बता रही थी। जेडीयू आखिर में नहीं आई, लेकिन अब आखिर में राम के साथ हनुमान है या हनुमान के साथ राम है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ये बातें आज उठने लगी है, तो आपको बता देते हैं। दरअसल चिराग पासवान को एनडीए से अलग थलग माना जाता रहा है और ये जाता है अभी भी, लेकिन आज बीजेपी के नेता साफ तौर पर इस बातों पर फुल स्टॉप लगा दिए। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक सहयोग कार्यक्रम चल रहा था और सहयोग कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, बबलू ने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। आपको बता दूं कि बीते दिन दिवंगत नेता रामविलास पासवान की बरसी में बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने शामिल होकर यह संदेश जरूर दिया, भले ही चिराग और उनका खेमा एनडीए से अलग हो लेकिन बीजेपी चिराग के साथ है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है नजदीकियां बढ़ने का, किसी से किसी का नजदीकी बढ़ सकता है ये अलग बात है, लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए का पार्ट है, मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे। आज रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि है, कई मांगे जो कि बिहार सरकार से उन्होंने की थी जब अस्पताल में एडमिट थे, क्या समय आ गया है उनके मांगों पर ध्यान देने का? देखिए जितने भी लीडर रहे हैं हम लोग वो नहीं देखते हैं कि किस पार्टी के रहे हैं, कोई व्यक्ति भी अगर सुझाव अच्छा देता है, अच्छा डिमांड करता है, लगता है विकास के काम की बात करता है, तो हम लोग हर चीज पर ध्यान देते हैं कि विकास का काम होना चाहिए वो कौन। तो चलिए सीधे न्यूज रूम लाइव चलते हैं जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हनुमान के साथ राम है क्या? बिल्कुल, हनुमान के साथ राम हैं और क्यों हैं एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं। कल की तस्वीर को याद कीजिए निर्भय, पशुपति कुमार पारस भी इस बरसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। बिल्कुल, वो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, उनका परिवार है, जो चिराग पासवान का परिवार है उसके वो अभिभावक हैं। कितने असहज नजर आ रहे थे पशुपति कुमार पारस इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। बिल्कुल, पहुंचने की औपचारिकता पशुपति कुमार पारस ने पूरी की लेकिन असहज थे। कोई भी बीजेपी का नेता आपको असहज दिखा क्या? ऐसे लगा कि बीजेपी के नेताओं में होड़ बची हुई है यहां पहुंचने की, शामिल होने की। बिल्कुल, और ये दिखाने की हम चिराग पासवान के साथ हैं। कोई भी नेता चिराग पासवान के साथ नहीं है ये दिखा क्या? असहज दिखा भी क्या कोई बीजेपी का नेता? बिल्कुल नहीं दिखा होगा, क्योंकि बिल्कुल सहज तरीके से बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, चिराग पासवान से बात की, मुलाकात की। और आज हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता से बात हो रही थी, माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि गाड़ी में मैं और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी आ रहे थे और उन्होंने एक बड़ी बात कही। बिल्कुल, कि मुख्यमंत्री जी को शायद आना चाहिए था। तो ये जानकारी आखिर में क्या कारण हो सकते हैं? क्या बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो चिराग ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा था ये उसी का नतीजा है, या फिर ये बातें बार बार जो कहती गई कि लोजपा ने जेडीयू को हराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, दुख इस बात का था? नहीं देखिए, नाराजगी स्वाभाविक हो सकती है नीतीश कुमार की, गुस्सा जायज हो सकता है। चिराग पासवान काफी तल्ख शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की बात करते रहे, तो जाहिर तौर पर एक नेता के तौर पर और वैसे नेता के तौर पर जिनकी छवि बहुत बेहतर रही हो, कम से कम व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई आरोप नहीं है, बेहद ईमानदार छवि के नेता माने जाते हैं, साफ सुथरी छवि के, और उनको अगर कोई जेल भिजवाने की बात करेगा तो नाराजगी होगी। लेकिन चलिए उन नाराजगी को छोड़ देते हैं, आखिर में वो नाराजगी का कारण क्या रहा? एक आखिरी सवाल होगा आपसे, क्या जो कहा यह भी जा रहा है और खुद कल जब हम कार्यक्रम को लाइव कर रहे थे उस दौरान भी कई सवाल वहां के जो प्रवक्ता रहे, नेता रहे, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बैठक होगी और बैठक का दौर लगभग जारी है, चिराग पासवान खुद बैठक कर रहे हैं। क्या लगता है एक नई सियासत रची जाएगी? जिस तरीके की तस्वीरों को चिराग ने देखा है, उसको संभाला है। देखिए पिछले 2-3 दिनों में बड़ा बड़ा बदलाव हुआ है। जो बीजेपी चिराग पासवान से दूरी बनाकर चल रही थी, अचानक वो बीजेपी खुद चिराग पासवान के पास क्यों चलकर आई है?
उसकी जो मुख्य वजह जो मैं समझ पा रहा हूं वो वजह यह है कि बहुत असर हुआ है चिराग और तेजस्वी की मुलाकात का, बहुत असर हुआ है चिराग और लालू। बिल्कुल, चिराग और तेजस्वी की मुलाकात का बहुत असर हुआ है। अभिषेक जी, यहां पर हम आपको रोकेंगे वक्त की नजाकत को देखते हुए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो जिस तरीके की तस्वीरें लगातार उभरती आई है, ऐसे में साफ तौर पर सियासत की एक नई दिशा जरूर रची जा रही है और ये सब कुछ आगे का वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहां आप सबसे विदा लेने का वक्त हो चला है। मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।